हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए अब क्या करते हैं हम, फाइव जो है हमने ये रिजल्ट प्रूफ कर लिए थे, आगे के जो रिजल्ट हैं हम उनको प्रूफ करते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप एमएससी जैसे एमएससी फाइनल के प्रीवियस ईयर के अंदर टोपोलॉजिकल स्पेसिस कई यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी फाइनल ईयर में है, तो मैं आपको ये कहूँगा, देखिए जब भी अगर आप किसी टीचर से समझते हो, अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप उनको दोबारा बोलिए कि सर ये दोबारा बताइए हमें। क्योंकि क्या है, ये चीज़ें जो है आप ये सोचते हो क्रैमर कर लोगे, रट्टा मार लोगे, ये चीज़ें आपकी लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगी। और मैथ को करने का इंटरेस्ट तभी आता है जब आप उसको समझते हुए करते हो। इसलिए क्या है, कई स्टूडेंट्स से जैसे मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं सर हमारे कॉलेज में हमारे लेक्चरर अच्छा नहीं बताते या जो भी है। अगर आपको अच्छा नहीं बताया गया तो आप उनको बोलिए सर मुझे नहीं आया समझ में। और यकीन मानिए अगर आप ये बोलते हो नहीं समझ में आया तो वो आपको समझाएंगे, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको समझाना चाहिए। ओके, और यहाँ पे तो हम करेंगे ही। क्या है, पांच थ्योरम ये हो चुकी थी, थ्योरम नंबर सिक्स ये मैं लिख देता हूं। थ्योरम नंबर सिक्स ये कहती है हमें ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ बाउंड्री ऑफ ए कंटेनमेंट करती हो ए में। ये प्रूफ करना है मुझे, कहता अगर क्लोज है कोई सेट तो प्रूफ करो कि बाउंड्री ऑफ ए जो है वो ए के अंदर कंटेंट करेगी, और बाउंड्री ऑफ ए अगर ए के अंदर कंटेंट करती है तो सेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ का केस है ये। कैसा है ये, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्लोज मान के आपको ये दिखाना है कि बाउंड्री उसके अंदर कंटेंट है, और फिर आपको वो करना है क्या कि बाउंड्री ऑफ ए कंटेंट मान के क्लोज दिखाना, क्लोज मान के वो दिखाना है। आइए देखिए करते हैं प्रूफ। सबसे पहली बात तो बाउंड्री ऑफ, मैं क्या मान लेता हूँ, फॉरवर्ड वर्क करते हैं। फॉरवर्ड में गीवन बता दीजिए क्या है आपको। सर गीवन तो आपके पास ये है कि ए क्लोज है, क्लोज है, दैट इज क्लोज का क्या मतलब है, ए का क्लोजर ए है, ये गीवन है आपको। टू प्रूफ क्या करना है आपको, सर हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो बी बाउंड्री ऑफ ए है ये कंटेनमेंट करती है ए में। मैं कहूँगा देखिए करते हैं, अब बाउंड्री ऑफ ए की डेफिनेशन लगाओ। आपको कहोगे सर बाउंड्री ऑफ ए बाय फर्स्ट क्या है, ये हमारी कंटेनमेंट करती है किसके अंदर, ए क्लोजर इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए के क्लोजर के अंदर, इसके अंदर ये इनका इंटरसेक्शन ये है। एक बात तो कन्फर्म है आपको कहोगे सर क्या, मैं कहूँगा बाउंड्री ऑफ ए इनके अंदर कंटेंट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर मान लो सी आ जाए तो जो सी होता है वो ए में भी कंटेंट होता है और जो सी है वो बी में भी कंटेंट होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है, स्मॉलेस्ट कॉमन पोर्शन होता है हमारे पास जो दोनों के अंदर कंटेंट होता है। अब इनका इंटरसेक्शन कौन है, बी ए, तो एक बात तो कन्फर्म है कि जो बी ए है ये हमारा कंटेनमेंट करता है ए क्लोजर में, एंड बी ए कंटेनमेंट करता है हमारा एक्स माइनस ए के क्लोजर में। अच्छा इसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, मेरा इंटरेस्ट किस में है, बी ए कंटेनमेंट करता है ए के क्लोजर में, और ए का क्लोजर क्या है ए, क्योंकि क्लोज है तो कर दो वैल्यू पुट। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा बी ऑफ ए जो है वो कंटेनमेंट कर जाएगा ए में। बी ऑफ ए कहाँ कंटेनमेंट कर जाएगा, हमारा ए में, और जब बी ऑफ ए जो है वो ए में कंटेनमेंट कर जाएगा, दैट मीन्स हम क्या बोल देंगे, हम ये बोल देंगे दैट इज ए क्लोज। इसलिए ये हो गया फॉरवर्ड वर्क। अब करते बैकवर्ड। आप कहोगे सर बैकवर्ड का ना आप मत बताना हमें, मैं कहूँगा मैं नहीं बताऊंगा, बोर्ड पे करेगा कौन। आप कहोगे सर आप देखते रहना, इस बार इसको जो है हम करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं कहूँगा चलो ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला। आप कहोगे ओके सर अब तो हो जाएगा ये सोल्व। मैं कहूँगा कैसे होगा बताना, आप कहोगे सर देखते जाइए, इतना तो हमने सीख लिया, अब कुछ तो समझ में आने लग गए। अब बैकवर्ड मैं कहूँगा गीवन बताओ क्या है। आपको सर गीवन में क्या है, बैकवर्ड में अब की बार गीवन ये है कि जो बी ऑफ ए है दैट इज कंटेंड इन ए। ओके,
और टू प्रूफ क्या है आपको क्वेश्चन, टू प्रूफ ये है कि ए इज क्लोज, मैं कहूंगा दैट मीन्स क्या क्या मतलब है क्लोज का, मतलब ये है ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, ये दिखाना है आपको, ये प्रूफ करना है आपको क्वेश्चन। देखिए बी ए कहाँ कंटेंट है, ए में, मैं कहूंगा ठीक है। क्या करोगे अब आपको क्वेश्चन देखना, बी ए कंटेंट इसके अंदर, इस पे लगाएंगे रिजल्ट नंबर ये सेकंड, बी ए कहाँ कंटेंट है, ए के अंदर, तो वैल्यू पुट अप करो किसकी, बी ए की, कौन सी वाली, ये वाली, तो क्या हो जाएगा ए का क्लोजर इंटरसेक्शन ए का इंटीरियर कहाँ कंटेनमेंट हो गया, ए के अंदर, ये इसके अंदर कंटेनमेंट हो गया। अब क्या कर दो बोथ साइड, क्या करो बोथ साइड यूनियन कर दो किसके साथ, ए के इंटीरियर के साथ, दोनों साइड यूनियन करेंगे तो देखो ए क्लोजर माइनस दिस यूनियन ए इंटीरियर कंटेनमेंट ए यूनियन ए इंटीरियर, ये फिर से वही बात आपको सर क्या कि जो ए इंटीरियर होता है वो तो कहाँ कंटेनमेंट करता है, ए में, क्या कहेंगे ए इंटीरियर कहाँ कंटेनमेंट करता है हमारा, ए के अंदर कंटेनमेंट करता है, आपको यस सर ए के अंदर कंटेनमेंट करता है, इससे क्या होगा आपको मैं कहूँगा देखते जाइए। अब ए इंटीरियर अगर ए के अंदर कंटेंट होता है यानी कि ए अगर बी के अंदर कंटेंट हो तब इनका जो यूनियन है वो क्या आता है, बी, ए इंटीरियर कहाँ कंटेंट है, ए में, तो इसकी वैल्यू तो मुझे पता चल गई क्या आएगी, ए, और ए माइनस बी यूनियन फिर बी कर ले तो वापस क्या होता है, ए क्लोजर में से ए इंटीरियर घटाया और फिर ए इंटीरियर यूनियन कर दिया तो वापस क्या आ जाएगा, ए क्लोजर ही आ जाएगा इसका, ए क्लोजर में से ए इंटीरियर घटाया फिर ए इंटीरियर का यूनियन कर दिया तो वापस ए इंटीरियर ये कहाँ कंटेंट हो गया, ए के अंदर, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और वी नो दैट ए इंटीरियर तो क्या होता है लार्जेस्ट क्लोज सेट होता है, ए इंटीरियर क्या होता है स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है हमारे पास जो कि ए उसके अंदर कंटेंट होता है, ए इंटीरियर क्या होता है हमारे पास ये क्लोज सेट होता है जहां ए इसके अंदर कंटेंट होता है। अब ये इसके अंदर कंटेंट, ये इसके अंदर कंटेंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आ गया ए इज इक्वल टू ए का क्लोजर, ए किसके बराबर आ गया ए के क्लोजर के, और जब ए इक्वल टू ए क्लोजर आ जाए तो सेट क्या होता है क्लोज, तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा क्लोज। आपको सर एक बार फिर से याद दिला दीजिए, बता दीजिए कैसे प्रूफ किया है हमने, मैं कहूँगा देखिए हमारे पास ये गिवन था जो बी ऑफ ए है वो ए के अंदर कंटेंट है और ये दिखाना था ए इज द क्लोज, मतलब ये दिखाना था ए इज इक्वल टू ए का इंटीरियर। अच्छा ये तो हम जानते हैं जो ए है वो ए इंटीरियर में कंटेंट होता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट क्लोज हो ओपन हो कुछ भी हो ये चीज़ तो ऑलवेज ट्रू है, बट अगर क्लोज है तो ये इक्वलिटी आएगी, ये मुझे प्रूफ करना है। ओके इसके लिए क्या लेकर चला मैं, बी ए कंटेनमेंट करता है ए में, ये तो गिवन है, बी ए की ये वाली पुट करी मैंने वैल्यू, आपको सर ये वाली क्यों नहीं ली, मैंने इस वाली ये वाली इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ली बी ए क्या है ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर कहाँ कंटेंट है ए में, बोथ साइड क्या कर दिया ए का इंटीरियर का यूनियन, ये हो गया तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा ए और ये क्या बन जाएगा हमारे पास ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर यूनियन ए इंटीरियर, ये बन जाएगा ए क्लोजर कहाँ कंटेंट हो गया ए में, बट हम ये जानते हैं कि ए तो ऑलवेज कंटेनमेंट करता है ए क्लोजर में, क्यों चाहे ए सेट ओपन हो या क्लोज कुछ भी हो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ गया ए इक्वल टू ए क्लोजर, क्या आ गया ए किसके इक्वल आ गया ए के क्लोजर के, और जब ए इज इक्वल टू ए क्लोजर आ गया दैट मीन्स हम क्या कह देंगे सेट इज क्लोज। ओके तो ये सिक्स प्रूफ हो गया हमारा, इसको मैं लिख देता हूँ, सिक्स ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ बाउंड्री ऑफ ए कहाँ कंटेनमेंट करती हो ए में। सेवन्थ का प्रूफ देखिए, सेवन्थ में क्या प्रूफ करना है हमें,
कहता है ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ बाउंड्री ऑफ ए का इंटरसेक्शन जब ए के साथ किया जाए तो फाई आता हो. क्या? बाउंड्री ऑफ ए का इंटरसेक्शन जब ए के साथ किया जाए अगर वो फाई आता है तो वो ओपन होगा. यहाँ क्या लिखा हुआ है? इफ एंड ओनली इफ का केस. देखिए सबसे पहले फॉरवर्ड वर्क करेंगे. फॉरवर्ड वर्क देखना क्या है. गिवन ए इज ओपन सेट, ओपन सेट दैट इज करके बता दो क्या ए का इंटीरियर ए है. टू प्रूफ बाउंड्री ऑफ ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? फाई. ओके लेके चलते हैं इसको. किसको लेके चला मैं? बाउंड्री ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इसको लेके चला. बाउंड्री ऑफ ए की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने? ये वाले. क्या जाएगा यहां से? ए का क्लोजर माइनस ए का इंटीरियर. इंटरसेक्शन ए. अब ए के क्लोजर की मेरे पास वैल्यू है, सॉरी ए के इंटीरियर की. ए का इंटीरियर वापस क्या है? ए. तो क्या हो गया यहां? दिस माइनस ए इंटरसेक्शन ए. अच्छा एक रिजल्ट जानता हूं मैं कि ए माइनस बी करके और इंटरसेक्शन जब बी के साथ किया जाए हमेशा फाई होता है. यहाँ क्या किया है? ए क्लोजर माइनस ए का इंटरसेक्शन ए. इसके पास तो ए नहीं है बट ये ए है तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई. क्या आएगा इनका इंटरसेक्शन? फाई. क्यों आएगा फाई? क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. ओके ये हो गया प्रूफ. अच्छा नोट्स में कैसे दिया गया इसका प्रूफ? नोट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने क्या ए क्लोजर की मैंने वैल्यू पुट करी है ए. नोट्स में क्या किया है वहाँ? ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर ये एज इट इज इंटरसेक्शन. ये जो ए था ए की वैल्यू पुट कर दी ए इंटीरियर, कोई दिक्कत नहीं है. तब भी क्या रहेगा? फाई. या तो आप ए इंटीरियर को ए मान लो या ए को ए इंटीरियर मान लो, फाई रहेगा. तो ये हो गया प्रूफ. सो ईजी. अब बैकवर्ड अच्छा प्रूफ है. क्या मान के चलना आपको कि जो बी ए इंटरसेक्शन ए है ये आपका फाई है? क्या मानते हुए चलेंगे हम कि जो बी ए इंटरसेक्शन ए है ये हमारा फाई है? और कैसे ना कैसे हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे ए इज द ओपन सेट. क्या प्रूफ करेंगे हम कि जो ए है हमारा ये ओपन सेट है? मतलब क्या गिवन टू प्रूफ? देखो अब आपको सिर्फ डायरेक्ट रिवर्स कर दो. सिर्फ जो गिवन था वो प्रूफ हो गया, जो प्रूफ था वो गिवन हो गया. ये तो हो गया टू प्रूफ, ये गिवन. अच्छा मैं पता क्या दिखा दूंगा ए, मैं ये दिखा दूंगा कि ए माइनस ए का इंटीरियर जो है ये फाई है. अगर a माइनस ए का इंटीरियर फाई आ जाए तो हम ये बोल देंगे a इज इक्वल टू ए का इंटीरियर. ओके मैं कैसे ना कैसे आपको ये शो करके दिखाने वाला हूं a माइनस ए का इंटीरियर क्या है? फाई. ओके जो गिवन उसको लेके चला मैं. b ऑफ a इंटरसेक्शन a ये कितना गिवन है मुझे? फाई. b ऑफ a की वैल्यू पुटअप कर दो. b ऑफ a की कौन सी वैल्यू पुटअप करें? ये वाली ए का क्लोजर माइनस दिस इंटरसेक्शन ए के साथ. ओके अब हम ये जानते हैं ए माइनस अगर बी हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. ए
इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, एक्स माइनस बी करके ये पुट अप कर देंगे हम। यहाँ आओ, क्या हो जाएगा ये, दिस इंटरसेक्शन एक्स माइनस दिस, और इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। आइए और मैं ये जानता हूं कि एक्स माइनस ए का जो इंटीरियर है ये बराबर होता है एक्स माइनस ए का क्लोजर। ये डेफिनेशन लगा देंगे क्या, कि एक्स माइनस ए का जो इंटीरियर है वो किसके बराबर होता है हमारे पास, इसके। ओके, अब क्या करते हैं हम, यही रहने देते हैं। अब तीनों का इंटरसेक्शन फॉर्मूला, आपको कि क्या सर फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो आप इसको चाहिए लिखो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। ये क्या होते हैं हमारे पास, एसोसिएट होते हैं। अब इसको और इसको एक साथ लिख रहा हूँ मैं, दिस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस दिस, ये लिख दिया मैंने। अब ए कहाँ कंटेनमेंट करता है, एक क्लोजर में। ए कहाँ कंटेनमेंट करता है, एक क्लोजर में। अगर ऐसा है तब ए इंटरसेक्शन एक क्लोजर क्या आना चाहिए, ए। क्यों, क्योंकि छोटा सेट आता है। ए अगर कंटेन करता है बी में तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए। वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ यहाँ, ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन, और ये किसकी इक्वल है, फाइव, फाइव तो चलने देते, इज इक्वल टू फाइव। ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए का इंटीरियर क्या है, फाइव। फिर से वही डेफिनेशन, ये फाइव है, दैट मीन्स हम क्या कहेंगे यहाँ से, ए माइनस ए का इंटीरियर ये फाइव है, क्योंकि इस क्या है, इसका ही तो मीनिंग है ये इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए का इंटीरियर। ओके, आपको सर कैसे, मैं देखो ए माइनस जो बी होता है इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और जब ये फॉर्म हो तो इसको ये लिख सकते हैं। क्या फॉर्म थी, ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए माइनस ए का इंटीरियर, ये क्या है, फाई। अगर ए माइनस ए का इंटीरियर फाई है तो एक बात तो कन्फर्म है, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब तो ए किसके बराबर है, ए इंटीरियर के। क्या बोल देंगे, ए किसके बराबर है, ए इंटीरियर के। और जब हमारा ए किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटीरियर के, तो हम क्या बोल देंगे कि ए क्या हो जाएगा, ओपन। क्या हो जाएगा, ए हमारा ओपन। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। ओके, इसलिए ये क्या हो गई हमारी सेवंथ का प्रूफ। एक बार फिर बता देता हूं क्या किया, बी ए इंटरसेक्शन ए क्या है, फाइव। बी ए की वैल्यू ये वाली पुट अप कर दी, ए का क्लोजर माइनस ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन ए। अब ये है, इसकी वैल्यू माइनस है, क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए का क्लोजर, एक्स माइनस ए का इंटीरियर ये। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन एक साथ ले लिया, उसको पीछे कर दिया। अब ए कंटेनमेंट करता है ए क्लोजर में, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ये। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हो तो ये क्या होता है, ए माइनस बी। ये ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस क्या है, ये ए इंटीरियर, यानी कि ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आएगा आंसर, ये ए माइनस ए इंटीरियर क्या आ गया, फाइव। दैट मीन्स ए किसके बराबर हो गया, ए इंटीरियर के। इसका मतलब अगर ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ओपन। क्या बोल देंगे, क्या हो जाएगा, ए हमारा ओपन हो जाएगा।
ये होगी सेवंथ। सेवंथ में क्या प्रूफ किया हमने? ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ बी ए इंटरसेक्शन ए करे तो फाई आए। क्लोज में क्या होता है? बी ए कंटेनमेंट ए, और ओपन में बी ए इंटरसेक्शन ए फाई आता है। अब आते हैं एट के ऊपर। एट्थ में क्या प्रूफ करना है मुझे? देखो ये कहता है ए इज ओपन एंड क्लोज इफ एंड ओनली इफ बी ऑफ ए किसके बराबर आता हो? फाई ए। जब बाउंड्री ऑफ ए किसके बराबर आती हो? हमारी फाई के बराबर आती हो, तब हम ये कहते हैं वो सेट हमारा ओपन भी है एज वेल एज क्लोज भी है। ध्यान से देखना, पहले फॉरवर्ड वर्क करते हैं। क्या मान लिया? ए इज ओपन, ए इज ओपन, और यहां ए इज क्लोज। ए अगर ओपन है दैट मीन्स, ए अगर क्लोज है दैट मीन्स, ओके। अब इस पे लगा रहा हूं ये वाली डेफिनेशन, यहां आओ। क्या है? ए का इंटीरियर किसके बराबर है? बाय पांचवी से ए माइनस बी ऑफ ए, ये है। और इसकी वैल्यू क्या है वापिस पुट कर दो। ए इज इक्वल टू क्या आ गया? ए माइनस बी ऑफ ए, बी ए को उठा के यहां ले आओ, तो क्या आ गया? बी ऑफ ए किसके बराबर आ गया? ए माइनस ए के, तो बी ऑफ ए किसके बराबर आ गया? फाई के, और बी ऑफ ए फाई। यही दिखाना था मुझे कि अगर ए ओपन एंड क्लोज है तो बी ए क्या आएगा? फाई। क्या लेके चला? ए को ओपन, ए का इंटीरियर ए, पांचवा क्या था? ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए, ए इंटीरियर की वैल्यू क्या है? ए। अब बी ए को यहाँ ले आया, ए को वहाँ भाई दिया, ए माइनस ए फाई, तो बी ए क्या आ गया? फाई। अब है ए इज क्लोज, क्लोज है तो क्लोज का यूज करते हैं हम, कौन सी वाली यूज कर लेते हैं हम? यहाँ ये क्या होगा हमारे पास? ये कौन सा यूज करना ज़्यादा बेटर रहेगा? ये आइए ये करते हैं यूज। ए का क्लोजर किसके बराबर होता है? ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। ए का क्लोजर क्या है वापिस? ए। यहां से तो कुछ अंदाजा नहीं हो रहा अच्छे से। यही करते हैं सेकंड से। ए का क्लोजर क्या है? ए। बाउंड्री ऑफ ए किसके बराबर होती है? ए क्लोजर माइनस ए का इंटीरियर। ए क्लोजर क्या है? ए। ए ओपन भी है दैट मीन्स ए का इंटीरियर भी क्या है? ए। तो क्या आ गया? फाई। तो हम क्या बोल देंगे? ए अगर हमारे पास ओपन और क्लोज हो तो हमेशा बाउंड्री ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? क्लोज। और दूसरी बात यहीं से निकालते, इसमें जाने की जरूरत ही नहीं थी, दो केस बनाने ही नहीं थे मुझे, डायरेक्ट पुट कर देता मैं। क्या ए ओपन है दैट मीन्स ए का इंटीरियर ए है, ए क्लोज है दैट मीन्स ये है, ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हम। बाउंड्री ऑफ ए किसके बराबर थी? दिस माइनस दिस, इसकी वैल्यू क्या है? ए। इसकी वैल्यू भी क्या है? ए। तो क्या आ गया? फाई। ये ज़्यादा बेटर था। ओके, तो क्या पता चल गया अभी मैंने क्या प्रूफ किया है कि अगर ए कोई सेट ओपन हो एज वेल एज क्लोज हो तो बी ए क्या बनेगा? फाई। अब रिवर्स करते हैं, क्या मान के चलते हम बी ए फाई है? मैं ये दिखाऊंगा वो सेट ओपन भी है और वो क्लोज भी है। क्या है वो? ओपन भी और क्लोज भी। देखिए प्रूफ, सबसे पहली बात ये किसके बराबर है? ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। बाउंड्री ए की वैल्यू क्या है? फाई। कर दो पुट, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ए यूनियन फाई। तो क्या आ गया वापिस? ए। ए क्लोजर वापिस क्या आ गया? ए। दैट मीन्स ये क्या हो गया? ए क्लोज। क्या हो गया? ए क्लोज। यहाँ वो पांचवें में पुट। ए का इंटीरियर क्या होता है? ए माइनस बाउंड्री ऑफ ए। बाउंड्री ऑफ ए की वैल्यू पुट अप कर दो,
ए माइनस फाइव करेंगे तो वापस क्या आएगा ए, मतलब ए का इंटीरियर क्या आ गया वापस ए, तो ए क्या हो गया ओपन, यानी कि बाउंड्री ऑफ ए अगर फाई है तो ए क्लोज है एज वेल एज ओपन है। ओके अब एक ट्वेल्थ देखिए प्रूफ करवाता हूं। बाकी के दो छोटे छोटे हैं वो आपको प्रूफ कर लेनी है। आपको जो प्रूफ करना है एक तो ये प्रूफ करके दिखाना आपको कि जो बाउंड्री होती है अगर यूनियन पे वर्क करें हम ए यूनियन बी के ऊपर तो वो हमारी कंटेनमेंट करती है बाउंड्री ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ बी में। और दूसरा आपको ये प्रूफ करना है अगर इंटरसेक्शन में अगर वर्क करे बाउंड्री ए इंटरसेक्शन बी तो बी क्या करती है हमारी ये कंटेनमेंट करती है। कहाँ कंटेनमेंट करती है बाउंड्री ऑफ ए इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ बी में। और दूसरा ये बाउंड्री ए की निकालो या बाउंड्री ऑफ इसके कॉम्प्लीमेंट की निकालो सेम होती है। ये तीन चीज़ों का प्रूफ आपको करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके मैं ये दिखा देता हूँ ए इज ओपन। क्या ए इज ओपन, ए अगर ओपन है देन बाउंड्री ऑफ ए जो है ये बराबर आएगी ए क्लोजर माइनस ए के। सो इजी है। देखिए हम ये जानते हैं क्या कि जो बाउंड्री ऑफ ए है वो बराबर होती है किसके ए का क्लोजर माइनस ए का इंटीरियर, ये है वी नो दैट, प्रूफ दिया था इसका मैंने। और ए क्या है ओपन, ए ओपन है दैट मीन्स ए का क्लोजर क्या है ए का इंटीरियर क्या है ए, ले जाके ए वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा बाउंड्री ऑफ ए क्या बन जाएगी हमारे पास ए का क्लोजर और ए का इंटीरियर क्या है वापस ए, तो ये हो गया प्रूफ। अगर कोई सेट ओपन है तो बाउंड्री ऑफ ए क्या आएगी ए का क्लोजर माइनस ए, क्या आ जाएगी वो हमारी ए का क्लोजर माइनस में ए आ जाएगी। अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, इंटरसेक्शन नहीं यहाँ भी यूनियन, यूनियन करो या इंटरसेक्शन करो ये दोनों चीज़ कहाँ कंटेंट होगी बाउंड्री ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ बी के अंदर क्या होगी ये कंटेनमेंट करेगी हमारी। ओके ये छोटी छोटी ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड इनका जो प्रूफ है ये आपको करना है। ओके इसी के साथ हमारी ये चीज़ फिनिश होती है और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डेफिनेशन को करेंगे हमारी जो कि क्या है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ओके आई होप ये आपको समझ में आई होगी।